हेलो, दिस इज महीम पॉल। मेंडल के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सभी प्राणियों की संतान में उनके पेरेंट्स से कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ये सिमिलरिटी वाले कैरेक्टर माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, यानी जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यही पूर्वजों के कैरेक्टर आनुवांशिक या हेरेडिटेरी कैरेक्टर कहलाते हैं और इसी से रिलेटेड स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने 6 साल तक पी प्लांट पर काम किया। 62 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया, लेकिन फिर भी इनके एक्सपेरिमेंट्स को पहचान नहीं मिली। देहांत के 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट यूगोडिवेरिस, कॉरेंस और सेनमार्क ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को फिर से डिस्कवर किया। तब जाकर मेंडल द्वारा पी प्लांट्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को पहचान मिल पाई। मेंडल बायोलॉजिस्ट नहीं था, वह मैथमेटिशियन था। उन्हें एक चर्च में प्रीस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था। मेंडल का काम क्यों इतने लंबे समय तक के लिए लोगों के सामने नहीं पहुंच पाया, इसके मेनली 3 रीजन थे। फर्स्ट, क्योंकि लोकल पेपर में ही इनका काम छपा था। यदि इंटरनेशनल जर्नल में छपता तब वर्ल्ड वाइड हो पाता। सेकंड, वह एक मैथमेटिशियन थे, जिसके कारण बायोलॉजिस्ट ने उनके काम को हल्के में यानी टेक फॉर ग्रांटेड लिया। थर्ड रीजन था, उस समय DNA और जीन की बात करना उसी तरह का था, ठीक जैसे आज से 200 साल पहले रॉकेट साइंस की बात करना थी। और अब मेंडल के सक्सेस होने के रीजन कुछ इस तरह के हैं। पहला तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर चूज किए, जैसे पर्पल व्हाइट, टॉल ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल एटसेट्रा। सेकंड, उनके एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा सकता था। थर्ड, उन्होंने डेटा को मैथमेटिकल रूल द्वारा बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से एक्सप्लेन किया। फोर्थ, इन्होंने जो प्लांट के करेक्टर यूज किए उसमें लिंकेज का कोई झंझट ही नहीं था, और उनके द्वारा पी प्लांट को ही चूज करने के भी कुछ मेन रीजन थे। पी प्लांट अपना लाइफ साइकिल 3-4 हफ्ते में कंप्लीट कर लेता है। पी प्लांट में सेल्फ और क्रॉस दोनों पोलिनेशन पॉसिबल होता है। यह प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो करता है, जैसे टॉल और ड्वार्फ, जिनमें से एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होता है। यानी यदि किसी जीन में दोनों एलील हैं तो डोमिनेंट दूसरे को दबाकर अपना प्रभाव शो करेगा, जैसे टॉल और ड्वार्फ में टॉलनेस अपना प्रभाव दिखाएगा और इस प्लांट का सीड तैयार होकर ही जर्मिनेट करने लगता है, यानी डोरमेंसी नहीं शो करता। और इसमें एक प्लांट पर हर बार हमें बहुत सारे सीड अवेलेबल हो जाते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उनके 3 लॉ प्रचलित हैं। उनमें से एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब मेंडल ने प्योर रेड फ्लावर की ब्रीडिंग को प्योर व्हाइट फ्लावर की ब्रीडिंग से क्रॉस कराया तो सभी प्रोजेनी यानी जो संतान उत्पन्न हुई वो सारे रेड फ्लावर कलर की थी। इसका कारण था, इस पी प्लांट में रेड कलर डोमिनेंट यानी प्रभावी होता है, जो व्हाइट कलर को दबा देता है, इसलिए व्हाइट कलर रिसेसिव या अप्रभावी है। इसी तरह 7 करेक्टर का एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, जो साथ में क्रॉस होकर दूसरे के प्रभाव को उजागर नहीं होने देते, जैसे पहले बता चुके हैं टॉल, ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल। इनमें टॉलनेस और राउंडनेस अपने पार्टनर के प्रभाव को दबा देती हैं। बस यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। आपको याद रहे फिजिकल करेक्टर जो बाहर हमें दिखता है, जैसे हाइट, कलर, शेप, यह फिनोटाइप कहलाता है। और अंदर का जीनोटाइप, अंदर के जीन में तो दोनों पेरेंट का बराबर कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग जो संतान उत्पन्न होती है वह प्रत्येक पेरेंट से कोई भी एक एलील रिसीव करती है और ये एलील साथ में रहते हैं इस तरह से कि आपस में मिक्स नहीं होते, जिससे ये दोनों जीन बाद में गैमेट फॉर्मेशन के समय क्लियरली कंप्लीट और प्योर फॉर्म में अलग हो जाते हैं। जैसे जब रेड और व्हाइट फ्लावर कलर के प्लांट्स का क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में केवल रेड फ्लावर वाले ही प्लांट उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो जीन है फैक्टर, उनमें रेड और व्हाइट दोनों के जीन उपस्थित रहते हैं जो पेरेंट से इनमें पहुंचा है। और जब बने F1 जनरेशन के किसी एक में भी सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है तो इसके जीन उस समय नए गैमेट फॉर्मेशन के लिए अलग हो जाते हैं। यानी F2 जनरेशन में व्हाइट और रेड फ्लावर वाले दोनों प्लांट बनते हैं। ये इसलिए संभव हुआ, जो व्हाइट फ्लावर वाले जीन थे प्लांट के अंदर वो दूसरे जीन से मिक्स नहीं हुआ था, इसीलिए अलग हो पाया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह लॉ उस समय अप्लाई होता है जब प्लांट्स में 2 या 2 से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराए जाते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग
जब दो या उससे अधिक कॉन्ट्रेस्टिंग करेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में तो वे डोमिनेंट करेक्टर को शो करेंगे और गैमेट बनने के समय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू होगा। तब उसके बाद सभी पेयर के एलील्स आपस में मन मर्जी से मिलकर किसी भी जीन सेट का निर्माण करते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है।